वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। आज हम फिर से एक बार एक मुद्दे के साथ आए हैं आपके पास और वो मुद्दा है बैंक से रिलेटेड। जलगांव में द जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक जो है उसका मामला बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। कुछ समय पहले आरबीआई ने इस जलगांव पीपल बैंक को लगभग 20 लाख रुपए का दंड किया। 20 लाख रुपए का जो उस पर जुर्माना लगाया गया वो कहीं ना कहीं बैंक की अनियमितता को देखकर लगाया गया है। अब इस बात का जो बवाल बन रहा है, रोजाना अखबारों में खबरें आ रही है या फिर बैंक वालों की तरफ से सफाई दी जा रही है कि बैंक की परिस्थितियां अच्छी है, बैंक डूबने वाली नहीं है, जो वहां पर डिपॉजिटर्स हैं उनको संयम रखना चाहिए। इस बारे में मैं अपनी पर्सनल राय रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं मीडिया से रिलेट करता हूं इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बात भी लोगों तक पहुंच पाए। देखिए, बात जब बैंक की आती है, बैंक ने अनियमितता की, कुछ गलतियां की, इसके लिए बैंक का जो सरदार है आरबीआई, उसने पीपल बैंक को दंड दिया। इस पे कोई दो राय नहीं है कि पीपल बैंक ने कुछ गलती की होगी, हो सकता है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं उनसे गलतियां होना स्वाभाविक है। जो लोग काम ही नहीं करेंगे उनसे गलतियां नहीं होगी। अब पीपल बैंक काम करता है तो उससे गलतियां हुई, उसके बारे में उसको सजा भी दी गई। इससे ठेवीदार डिपॉजिटर्स का क्या लेना देना आया? डिपॉजिटर्स के पैसे वहां पे पड़े हैं, पीपल बैंक ने लोगों को लोन दे रखा है, वो लोन रिकवरी करेंगे और पीपल बैंक जो है वो डिपॉजिटर्स को डिपॉजिटर्स के पैसे दे पाएगी। बैंक जो है वो सिर्फ आपका पैसा सुरक्षित नहीं रखता है, आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी बैंक को करना होता है, व्यवसाय करना होता है, वो व्यवसाय करती है। आप जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो पैसा बैंक में तो पड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर बैंक में पड़ा रहेगा तो जो डिपॉजिट किए हैं आप उसका आपको ब्याज कहां से मिलेगा। प्रोसेस ऐसी रहती है, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो पैसा बैंक किसी दूसरे व्यक्ति को कर्ज के रूप में देती है। कर्ज के रूप में जो उसे ब्याज मिलता है उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखकर बाकी ब्याज का हिस्सा आपको पास किया जाता है, वो आपकी कमाई होती है। जो बैंक हिस्सा रखती है वो बैंक की कमाई होती है, जिससे वो पूरा बैंक चलता है। मुद्दा ये है कि अभी काफी सारे अखबारों में कुछ लोग जो है वो लगातार ये बात फैलाई जा रहे हैं कि पीपल बैंक डूब रही है और पीपल बैंक में डिपॉजिटर्स डिपॉजिट वापस लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं। देखिए, लाइन लगा रहे होंगे इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस बात को सोचिए कि अगर आप बैंक में पैसा लगाने के लिए लाइन लगा लेते हैं तो जो पैसा बैंक इन्वेस्ट कर रखी है दूसरी जगह, वो पैसा बैंक निकालेगी कैसे, आपको डिपॉजिट देगी कैसे? ऐसे में आपका ये कहना कि बैंक डूब रही है बिल्कुल गलत बात है। मैं पर्सनली डिपॉजिटर से ये कहना चाहूंगा कि संयम रखिए, आपका पैसा सुरक्षित ही होगा। आप अगर एट अ टाइम किसी भी बैंक, ये तो पीपल्स बैंक द जलगांव पीपल बैंक ये छोटी सी बैंक है, अगर आप एसबीआई के पास भी पूरा सारे डिपॉजिटर्स एक साथ पैसे लेने के लिए पहुंच गए तो एसबीआई के पास भी संभव नहीं है कि सारा पैसा आपको दे दे। इसका मतलब ये नहीं है कि एसबीआई डूब रही है। किसी भी बैंक को अपने पास पैसा रखने की कोई अथॉरिटी नहीं रहती है, ये आरबीआई के रूल है कि बैंक अपने पास पैसा नहीं रख सकती है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, किसी दूसरे बैंक में डिपॉजिट करती है, कहीं दूसरी बैंक में उस लोन के रूप में दिया जाता है, बहुत सारे पैसे का घुमाव हुआ करता है। तो ये जो हवा फैला हुआ है कि पीपल बैंक डूब रही है, पीपल बैंक में लोग पैसे लगाने लेने के लिए उछल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल बैंक जलगांव की पीपल बैंक है। जलगांव में आपको याद होगा तो पहले पत संस्थाओं की भी बात हुई थी और पत संस्था जब जलगांव में थी तो पत संस्थाओं के भी डूबने का यही एक बहुत बड़ा रीजन हुआ था। एक पत संस्था थी जिसने कुछ गलत किया था और वो पैसे का दुरुपयोग कर रही थी, वहां भी लोग इसी तरीके से लाइन लगा लिए और लाइन लगाने के बाद तो स्वाभाविक है कि पैसा नहीं दिया जा सकता है। पैसा इकट्ठा किसी कोई भी बैंक डिपॉजिटर्स को नहीं दे सकती है। अगर सभी डिपॉजिटर्स एक बार पैसा मांगेंगे तो पैसा आपको नहीं मिल सकता है। ये कोई भी, ये पीपल बैंक या कोई दूसरी बैंक नहीं हो, आरबीआई और एसबीआई भी हुई तो ऐसी बैंक्स भी इकट्ठा पैसा आपको नहीं दे सकती है। इसके लिए आपको संयम रखना पड़ेगा, आपका पैसा सुरक्षित है, थोड़े थोड़े हिस्सों में जैसे आपको जरूरत है उस तरीके से आप पैसे निकालिए आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप इकट्ठा अगर ये करना चाहेंगे, पैसे निकालना चाहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है।
जलगांव पीपल बैंक के जो चेयरमैन है भालचंद्र पाटिल, उन्होंने भी लास्ट टाइम कहा था कि हमारी बैंक सुरक्षित है, हमारी बैंक सुरक्षित हाथों में है। आपल्याला रिझर्व्ह बँकेने 25 लाख रुपयाचा दंड ची कारवाई आपल्यावरती केलेली आहे आणि हे परवाच आपल्याला समजलेलं आहे बँकेला। हा एक रेग्युलर फिनॉमिन आहे रिझर्व्ह बँकेचा की कुठलीही एखादी चूक झाली किंवा आरबीआयचा निकष एखाद्या गोष्टीमध्ये पाळला नाही गेला तर आरबीआय त्याच्या अनुषंगाने सिरियसनेस बघून तो दंड करत असते। तर आपल्याला हा दंड झाला आहे, हा 2018 आरबीआयच्या इन्स्पेक्शनमध्ये त्यांनी जे काही फाइंड आउट केलं, म्हणजे मागच्या 4 वर्षामध्ये डिमॉनिटायझेशनमुळे किंवा रेरा कायद्यामुळे किंवा 500 मीटरचा जो दारू बंदीचा कायदा आला त्याच्यामुळे किंवा काही लोकांना रिशेड्यूल अकाउंट करून देण्यामुळे हे सगळ्या गोष्टी घडल्यात। म्हणजे हे सगळ्या गोष्टी त्यावेळेस त्या बिझनेसेसच्या आणि आर्थिक जगताच्या परिस्थितीनुसार ग्राहकांनी आपल्याला अप्रोच केला किंवा आम्हाला थोडासा मॉरेटोरियम पिरियड वाढवून द्या जेणेकरून आम्ही आमचा हप्ता व्यवस्थित भरू शकू किंवा आम्हाला आमचं टोटल रिपेमेंट पिरियड वाढवून द्या की आम्ही आमचा हप्ता व्यवस्थित भरू शकू। कारण या सगळ्या गोष्टींमुळे प्रत्येकाचे धंदे अफेक्ट झालेले होते आणि देशभरामध्ये हे राज्यभरामध्ये सगळ्यांनाच याचा अनुभव आहे आणि त्या अनुषंगाने आपण त्या सगळ्या गोष्टी सगळ्या सुविधा आपल्या कस्टमर्सना त्या पुरविल्यात। पण ह्या पुरवित असताना हे अकाउंट रिस्ट्रक्चर होत आहेत आणि ते रिस्ट्रक्चर झाल्यामुळे ते अकाउंट त्या त्यावेळेस एनपीए मार्क केले पाहिजेत आरबीआयच्या निकषाप्रमाणे, ते आपलं राहून गेलं आणि आपण ते अकाउंट्स एनपीए मार्क केले नाहीत म्हणून 2018 इन्स्पेक्शनमध्ये आरबीआयच्या इन्स्पेक्शनमध्ये त्यांनी ते अकाउंट्स फाइंड आउट केले आणि त्या डेटला म्हणजे मागच्या डेटला जाऊन म्हणजे 2014, 2015, 2016 त्या डेटला ते अकाउंट्स एनपीए मार्क करायला लावलेत आणि आरबीआयचा निकष न पाळल्या गेल्यामुळे त्यांनी हा फाईन आपल्यावरती केलेला आहे। आणि दुसरा एक कारण असं आहे की ज्या कारणासाठी आपण कर्ज देतो, सीसी लिमिट देतो, ते एंड यूज प्रॉपर आपल्या सगळ्या कस्टमर्सनी समजा एक्स कारणासाठी आपण त्याला कर्ज दिलेलं आहे आणि ते एक्स कारणासाठी न वापरता त्याने वाय कारणासाठी वापरलं तर ते सुद्धा त्यांनी आपल्यावरती ते त्याचं कारण आपल्यावरती थोपवलं किंवा हे तुम्ही लक्ष द्यायला पाहिजे होते की तो कस्टमर एंडयूज बरोबर करतो आहेत की नाही, म्हणून त्याच्याबद्दल सुद्धा आपल्याला ह्या 2 कारणामुळे आपल्याला हा 25 लाख रुपयाचा फाईन त्यांनी केलेला आहे। आणि या सगळ्या ज्या गोष्टी हे बँकेची भक्कमता दर्शवितं, म्हणजे अशा छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे कुठेही काही घाबरून जाण्याचं कोणीही कारण नाही। ठेवीदारांनी जो आजपर्यंतचा विश्वास आमच्यावरती ठेवलेला आहे तो विश्वास इथून पुढे आपण आणखीन चांगलं कार्य करून वृद्धिंगित करू असं आश्वासन किंवा असं वचन मी माझ्या ठेवीदारांना देतो। आणि देखिए विश्वास तो आपको किसी पे करना ही पड़ेगा, आपके घर में पैसा रखते हैं और चोरी हो गई तो आपका नसीब है, लेकिन बैंक में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट रहती है, बैंक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रहती है, तो वो जिम्मेदारी बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जो ऐसी जिम्मेदारियों से मुंह चुराते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जलगांव पीपल बैंक या फिर जलगांव में कोई भी ऐसी बैंक हो दूसरी जो अपने ग्राहकों का अपने लोगों का भरोसा तोड़ना चाहेगी। तो आप लोग संयम रखिए, बैंक कहीं ना कहीं सुरक्षित हाथों में है और आपको आपका पैसा जरूर मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपका पैसा आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दीबाजी करते हैं तो आप एक अच्छी बैंक को डुबाने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। धन्यवाद। अपने दोस्त को फिट एंड फाइन बनाए, एप्स ज्वाइन कराए, 1 month free जिम के साथ 1000 रुपए डिस्काउंट पाइए। एप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जलगांव।